मिला हुआ रक्त पीत मिश्रित उनका शरीर का वर्ण है, और अपनी भुजाओं में एक हाथ में सुंदर रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में पाश माने रस्सी, दूसरे हाथ में अंकुश और एक हाथ से वर देने वाली वरदान मुद्रा धारण करती हैं, और अर्धचंद्रमा का आभूषण है, तीन नेत्र हैं। ऐसी माता जी का ध्यान करें, निशुंभ का वध करने वाली। अब उनके लिए हम लोग हवन करते हैं। घी की आरती छोड़ दी, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ध्यान करके ओम राजवाच स्वाहा, विजित्रिनमाख्यातम भगवान भवतम देव्य सहित महात्म्यम रक्त विवदा पदाश्रितम स्वाहा, भूयत चेच्छाम्यहम श्रोतुम रक्त बीजे निपाते, चकार संभूयत कर्म निशुंभश्चाति गोपन स्वाहा, ऋषि रुवाच स्वाहा, चकार कोक मतुलम रक्त बीजे निपाते, शुंभासुरो निशुंभश्च अभेशु अन्येषु च हवे स्वाहा, अन्यमानं महासैन्यं विलोक्य आमर्षमद्वहन अभ्यधावन निशुंभोऽथ मुख्य यासुरसेनया स्वाहा, तस्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्ट्योष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपायेयुः स्वाहा, आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि सुबलैर्भटः नियन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः स्वाहा, ततो युद्धम् अतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमती वोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः स्वाहा, चिच्छेदास्तान् सरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैः सुरेश्वरौ स्वाहा, निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चाडाय सुप्रभं ताडयन्मूर्धि सिंहं दिव्यावाहनमुत्तमं स्वाहा, ताडितेवाहने देवी चुर प्रेणासि उत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यश्च चन्द्रकं स्वाहा, छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागदां स्वाहा, गोपाद मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यतुर्णयत् स्वाहा, आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्याधिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता स्वाहा, ततः परशुहस्तं तम आयान्तं दैत्यपुङ्गमम् आहत देवी वाणोभै अपादयत भूतले स्वाहा, तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यदीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां स्वाहा, सरक्तहस्तस्त तथाच्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः विजयदष्टाव्यतुलैः व्याप्याशेषम्भवौ नभः स्वाहा, समायान्तं समालोक्य देवी शङ्कुवाय ज्याशब्दं चापि धनुषकारातिविदुःसहं स्वाहा, पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपदविधायिना स्वाहा, तथा सिंहो महानादैस्त्यादितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश स्वाहा, ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यान्तनिनादेन प्राक् सुनास्ते तरोहिता स्वाहा, अट्टाट्टहासं अशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं प्रव्ययौ स्वाहा, दुरात्मस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशस्थितैः स्वाहा, शुम्भेनागत्य या शक्तिर् मुक्ता ज्वालादिभीषणा आयान्ति वह्निकूटा वा साधिरस्ता महल्कया स्वाहा, सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गातनिस्वनो घोरो जितवान् अवनीपते स्वाहा, शुम्भमुक्तान्सरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान्सरान् चिच्छेदस्वसुरैः स्वसरैः
रुक्रैः शतशोधसहस्रशः स्वाहा तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनापि जगान तं सतता विहतो भूमौ मोचितो निपपातः स्वाहा तथा ततो निशुम्भ संप्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगान सरैर देवीं कालीं केसरिणं तथा स्वाहा पुनश्च कृत्वा बाहुं अयुतं धनुजेश्वरः चक्राधेन दैतिजस् छादयामास चण्डिकां स्वाहा ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांशकान् स्वाहा ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकां विधावत वै हन्तुं दैत्यसेनां समागतः स्वाहा तस्याप्रत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण तस्य शूलं सदामदे स्वाहा समाददे स्वाहा शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं प्रतिविव्यादशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका स्वाहा भिन्नस्य शूलेन हृदयानि स्थितोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् स्वाहा तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वन वत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतत् पृथ्वी भुवि स्वाहा ततो सिंहश्च खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्यशिरोधरान् असुरांस्तान् तथाकाली शिवदूती तथापरान् स्वाहा कौमारी शक्ति निर्विन्नाः केचित् नेश्वरमहासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन त्वयेनान्ये निराकृताः स्वाहा माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्थापरे वाराहीदुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि स्वाहा खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन स्थापरे स्वाहा केचित् विनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवा भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ स्वाहा पान सुपारी लौंग इलायची ले लें इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्मन्त्रे देवी महात्म्ये निशुम्भदो नाम नमो अध्याय श्री दुर्गार्पणमस्तु सांचे दरबार की जय पांच घी की आहुतियां ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा जो सामग्री कम रहती है तो उसमें थोड़ा जौ तिल सावन और शक्कर डाल सकते हैं शक्कर जो चावल तिल शक्कर चावल कम डालें और जो उससे ज़्यादा डालें तिल उससे ज़्यादा डालें और शक्कर डालें चार अध्याय और हैं दसवें अध्याय की जो देवी हैं वो उन्होंने शुंभ नामक असुर का वध किया है शुंभ का वध करने वाली माता जी का ध्यान करें माता जी का ध्यान करें ओम उत्तप्त हे वरुचिराम रविचंद्र वन्नि उत्तप्त हे वरुचिराम रविचंद्र वन्नि नेत्रां धनुश्चरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर् भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि ऋतेन्दुलेखां माता जी का ध्यान करना है मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ ऐसा करके और तपाए हुए सोने के समान सुंदर जिनका शरीर है
सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं, माया नेत्र है, चंद्रमा दाहिना नेत्र है सूर्य, और बीच का तीसरा नेत्र अग्नि है। और अपने मनोहर हाथों में एक हाथ में धनुष धनुष बाण है, दूसरे हाथ में अंकुश है, तीसरे हाथ में पाश है रस्सी, और चौथे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए रहती हैं। ऐसी माता जी का हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके उनका हवन करें। इसके आगे के अध्याय में हम खीर प्रयोग करेंगे, अभी नहीं, आगे आने वाले अध्याय में, 11वें अध्याय। और गिरिजा जी अगर थोड़ी सी थोड़ा गूगल, काली मिर्च और जायफल, लाल चंदन, सफेद चंदन, ऐसी वस्तु हमें मिल जाती है, गूगल, लाल चंदन, सफेद चंदन, जायफल, ये मिल जाते हैं स्टोर में, हैं उनको ले आए अगले अध्याय के लिए। अभी सामग्री छोड़ेंगे। ओम ऋषि रुवाच स्वाहा, निशुम्भम निहतम दृष्ट्वा भ्रातरम प्राण संवितम हन्यमानम बलम चैव शुम्भ क्रुद्धो गुर्वीत वचः स्वाहा, बलाबले पाप दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह, अन्यासां बलमाश्रित्य युद्यसे यतिमानिनी स्वाहा। देवी वाच स्वाहा, एकैवाहं जगत्कर्त द्वितीया का मम परः, पश्यैधा दुष्टमय्येव दिशन्त्यो मदिभूतः स्वाहा, तथा समस्तास्था देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका स्वाहा। देवी वाच स्वाहा, अहम् विभूत्या बहुभिर् इह रूपै यदा स्थिता तत्सङ्गतम् मयैकैव तिष्ठाम्यादौ स्थिरो भव स्वाहा। ऋषिरुवाच स्वाहा, ततः प्रववृते युद्धं देव्या संवसतो भयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं स्वाहा। सर्ववर्षैः शितैः शस्त्रैः सथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूत् भूयः सर्वलोक भयङ्करं स्वाहा। दिव्यान्यस्त्राणि सदशो मोचे यान्यथाम्बिका पभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः स्वाहा। मुक्तानि तेजास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी पभञ्ज लीयैवोग्रहं नोग्रहोङ्कारोच्चारणादिभिः स्वाहा। तथा सरस्वतैर्देवी मात्सादय सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदस्येषुभिः स्वाहा। छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमुखादधे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य कले स्थितां स्वाहा। तथा खड्गम बाधाय सदचन्द्रं च भानुमत् अभ्युधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वर स्वाहा। तस्या व्रतेवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलं स्वाहा। हताश्वसतदा दैत्यश्चिन्न धनुवाभिसारथिः जग्राह बुधकरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः स्वाहा। चिच्छेदापदस्तस्य बुधकरं निशितैः शरैः तथापि स्वव्यधावत्तां मुष्टिरुद्यम्य वेगवान् स्वाहा। समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरश्चिताडयत् स्वाहा। तलप्रहाराभि हतो निपपातमहीतले दैत्यराजा सहसा पुनरेव धोत्यथ स्वाहा। उत्पत्ति च प्रक्रियुच्चैव देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधेति चण्डिका स्वाहा। नियुद्धं खेददा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं स्वाहा। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास सुक्षेप धरणीतले स्वाहा। सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निवेदेच्छया स्वाहा। मायान्तं गतो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स्वाहा। सगत्रासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन सकलां पृथिवीं शाब्दिद्वीपां सपर्वतां स्वाहा। तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि